नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंदन आपका इंग्लिश गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग शुरुआत करेंगे इंग्लिश के फंडामेंटल्स, इंग्लिश के इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स। सबसे पहले जब भी हम लोग इंग्लिश शुरुआत करते हैं सब, और हमें देखते हैं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आती है, तो वो इंग्लिश की बेसिक्स में आती है और इंग्लिश के फंडामेंटल्स में आती है। तो अगर एक बार हम लोग इंग्लिश के फंडामेंटल्स को सही कर ले, उसको समझ ले, और इसका यूज जब हम लोग आगे करना देखेंगे, सीखेंगे, तो पता चलेगा इंग्लिश इतना टफ है ही नहीं जितना हम लोग समझ रहे थे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इंग्लिश के फंडामेंटल्स है, और सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे इंग्लिश है क्या। जब भी हम लोग बात करते हैं इंग्लिश का, तो दिमाग में आता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? जिसे हम लोग बोलने के लिए यूज कर रहे हैं, जिसे कम्युनिकेट करने के लिए, अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करने के लिए जो चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज। तो उसी एक लैंग्वेज के कड़ी में इंग्लिश भी आपका एक लैंग्वेज है। जब भी बात होता है लैंग्वेज की, तो दिमाग में आता है कि लैंग्वेज बना कैसे, बना कैसे। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ, आप भी समझ रहे होंगे कि एक लैंग्वेज है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि एक लैंग्वेज है? आपको साउंड सुनाई दे रही होगी। जब भी आपको साउंड सुनाई दे रही है, एक मीनिंगफुल साउंड सुनाई दे रही है, जिसमें किसी के मन के विचारों को आप समझ पा रहे हैं या किसी को अपने मन के विचारों को समझा पा रहे हैं, तो समझिए आप एक लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक लैंग्वेज का यूज करना सीखेंगे, जिससे जिसकी शुरुआत हम लोग एकदम फंडामेंटल से शुरू करेंगे, वह है इंग्लिश। और सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि साउंड लैंग्वेज क्या है, एक साउंड है। तो जब भी हम लोग एक लैंग्वेज की बात करते हैं, तो एक साउंड की बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं। और जब भी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, तो इंग्लिश में दो तरह के साउंड होते हैं। एक को हम लोग वोवेल्स कहते हैं, दूसरे को कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। अगर इस साउंड को ही हमें डिवाइड करना है दो पार्ट में, तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं किसमें किसमें। एक कह सकते हैं वोवेल्स और दूसरा कह सकते हैं कॉन्सोनेंट। इन दोनों के साउंड पे ही इनका नाम पड़ा हुआ है। अगर आपको पता हो कि वोवेल्स क्या है, नहीं पता है तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ कि वोवेल्स क्या है। ए ई आई ओ यू, ये पांच ही आपके क्या है इंग्लिश में वोवेल्स है। और इनको छोड़ के आप जो भी है, जो भी लेटर्स बचे हुए हैं, जो भी लेटर्स बचे हुए हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डी एफ जी। इनको छोड़ के जो भी आपके लेटर्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। और ये कुल लेटर्स जब भी आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट एक संग मिले, तो ये कुल लेटर्स की संख्या होती है। अगर मैं लिखूं ऐसे, वोवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट, तो ये इक्वल होते हैं 26 लेटर्स के। ये 26 लेटर्स में ही, एक बार आप लोग देख लीजिए, आपको लिखना है तो आप साथ ही साथ लिख भी सकते हैं। आते हैं फिर से हम लोग यहाँ पे, वोवेल्स कितने हैं? पांच हैं। कौन कौन है एक बार आप लोग बोलिएगा। ए ई आई ओ और यू, ये आपके पांच वोवेल्स हैं। इनको छोड़ के जो भी आपके लेटर्स हैं, वो आते हैं किस में? कॉन्सोनेंट में आएंगे। और जब भी हम लोग वोवेल्स को और कॉन्सोनेंट को एक संग लाएंगे, तो ये 26 लेटर्स बनते हैं। और इनको कंबाइन हम लोग एक नाम देते हैं, इनको एक कंबाइन इनका नाम देते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं अल्फा, अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, अल्फाबेट इनको कहते हैं। तो अल्फाबेट है क्या? ये 26 लेटर का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें क्या क्या है लेटर्स में? वोवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट है। जब हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को मिला के, जब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट साथ आते हैं तो ये आपका फॉर्म करते हैं वर्ड। ठीक है, जब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट साथ आते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जब लेटर्स ये 26 लेटर्स इन्हीं में से जब साथ आते हैं, तो क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। वर्ड को अगर कहना चाहे कि वर्ड होते क्या है, तो वर्ड को हम लोग कह सकते हैं मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स।
तो अगर मान लीजिए इसे हमें लिखना है तो लिख सकते हैं क्या कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेना चाहेंगे। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा AMN, आप देख के बता सकते हैं कि है क्या, ये क्या लिखा हुआ है। देखिए इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है तो इसे हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। अगर शब्द कहना है तो इन्हीं लेटर्स को अगर थोड़ा सा हम लोग घुमा दें, एक सही रास्ते में अरेंज कर दें तो इनको हम लोग बोलेंगे शब्द। जैसे देख लीजिए, अगर इसी को हम थोड़ा सा घुमा के इसको ऐसे लिख लें मैन, देखिए इस बार क्या है, इस मैन का एक मीनिंग निकल रहा है। और जब किसी भी शब्द का मीनिंग निकले तो उसको बोलेंगे वर्ड, या फिर उसी को ही बोलते हैं मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। लेटर्स कितने हैं और क्या है, तो आपके ये लेटर्स है 26 लेटर्स, जिनको हम लोगों ने साउंड में डिवाइड किया था। एक वोवल है, दूसरा कॉन्सोनेंट है। जब भी हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, जब भी हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, आशा है आप लोग इसको लिख लिए होंगे। एक बार मैं मिटा दे रहा हूँ और उसके बाद चलते हैं। जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर हम पहले तो हम लोग क्या किए, लेटर्स को साथ लाए, शब्द बनाए, वर्ड बनाए। जब एक से ज़्यादा शब्द एक संग आते हैं, जब एक से ज़्यादा शब्द एक संग आएंगे तो इन शब्दों को ही हम लोग क्या बना लेते हैं, जब एक से ज़्यादा शब्द एक संग आएंगे तो इन शब्दों से ही हम लोग बनाते हैं फ्रेज। देखिए फ्रेज क्या होता है, किस एक से ज़्यादा शब्द किसी शब्द में हो तो उसे हम लोग फ्रेज कह लेते हैं। अगर इसे लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि लॉन्ग टेल वर्ड। समझने के लिए, जिस शब्द में एक से ज़्यादा शब्द आ गए, जिस शब्द में एक से ज़्यादा शब्द आ गए उससे हम लोग फ्रेज कह सकते हैं। और ये फ्रेज आपका तीन तरह के होते हैं, बेसिकली ये तीन तरह के होते हैं फ्रेज। पहले को हम लोग बोलते हैं नाउन फ्रेज, दूसरे को बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, और तीसरा आपका होता है एडवर्ब फ्रेज। अगर इनके शब्द में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कि ये नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी हम लोग एक एक करके समझेंगे। आप मेरे संग बस चलते रहिए। तो अभी फ्रेज क्या है, दो या दो से एक या एक से ज़्यादा शब्द अगर एक संग आए तो फ्रेज बनाते हैं। और फ्रेज तीन तरह के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेज। ये इनका नाम पड़ा है इनके फंक्शन के ऊपर, और इनका फंक्शन हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जब भी देखिए क्या हुआ, हम लोग वर्ड किसको बोले, लेटर के कॉम्बिनेशन को, मीनिंगफुल लेटर के कॉम्बिनेशन को वर्ड बोले, वर्ड के कॉम्बिनेशन को फ्रेज बोले। और जब एक या एक से अधिक फ्रेज साथ में आते हैं तो आपका बनाते हैं क्लॉज। ये बनाते हैं आपका क्लॉज। जब भी फ्रेज साथ में आएंगे, एक से ज़्यादा फ्रेज जब साथ में आएंगे तो ये बनाएंगे क्लॉज। और क्लॉज होता क्या है, तो क्लॉज को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्लॉज को लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, इसको बोलते हैं क्लॉज। अगर आपके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन है कि सब्जेक्ट क्या है तो उसको रखिए, उसे हम लोग समझेंगे। प्रेडिकेट क्या है उसको भी रखिए, उसको हम समझेंगे। अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा और एलिब्रेट करना चाहे तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट या क्लॉज होता क्या है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिला के क्या बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं। देखिए अब होता क्या है, यहाँ तक आपका क्लियर है? फिर से एक बार सुन लीजिए कि वर्ड जब मिलते हैं तो फ्रेज बनेंगे, फ्रेज जब मिलेंगे तो क्लॉज बनेंगे। क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है, या फिर क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जब आगे बढ़ेंगे और जब हम इन क्लॉज को कंबाइन करेंगे, जब इन क्लॉज को आगे बढ़ के एक साथ लाएंगे तो इनको हम लोग बोलते हैं आपका
सेंटेंस लिख लेता हूँ मैं सेन, इनको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस भी सर सेम चीज़ होता है, जो क्लॉज होता है थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर सेंटेंस को भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, क्या किसमें सब्जेक्ट होता है, जी हाँ सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। तो आप बोलेंगे कि सर क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपको तो यहाँ भी मिला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सेंटेंस में भी मिला सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो डिफरेंस क्या है दोनों में। तो दोनों में डिफरेंस है सर, एकदम छोटा सा डिफरेंस है कि जब भी सेंटेंस हम लोग लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और साथ ही साथ फुल स्टॉप भी होगा, साथ ही साथ फुल स्टॉप भी होगा, लेकिन ये क्लॉज में नहीं होगा, ये फुल स्टॉप क्लॉज में नहीं होगा। अगर किसी भी क्लॉज में फुल स्टॉप आपने लिख दिया तो सेंटेंस बन जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कोई भी सेंटेंस एक क्लॉज होता है, ठीक है। तो कभी भी एक सेंटेंस हम लोग लिख रहे हों, कभी भी एक सेंटेंस हम लोग लिख रहे हों, तो उसमें मिनिमम एक क्लॉज है। अगर एक कंप्लीट सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें एक क्लॉज है। अगर सेंटेंस को समझने की कोशिश करें कि सेंटेंस है क्या, तो हम लोग कह सकते हैं सेंटेंस को मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉज फ्रेज वर्ड को हम लोग कह सकते हैं क्या आपका सेंटेंस है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, एक बार आप लोग लिख लीजिए पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी हम लोग क्या करते हैं वर्ड को क्लॉज को एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन में लेके आते हैं तो सेंटेंस बनता है, और वह सेंटेंस जब भी होता है वह आपका एक, जब भी एक सेंटेंस हो, जब भी एक सेंटेंस हो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जब भी आप एक सेंटेंस बना रहे होते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, बिना स्ट्रक्चर का कोई सेंटेंस नहीं होता है। जब भी आप एक सेंटेंस हो तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, बिना स्ट्रक्चर का सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलता है। मीनिंग निकले भी तो आप कुछ बोलना चाहेंगे निकल कुछ जाएगा, मतलब अर्थ का आप अनर्थ कर बैठेंगे। जैसे मैं बोलूँ आपको उबालकर पानी पिलाऊँ, आपको उबालकर पानी पिलाऊँ, इसका दो तरह से आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि मैं आपको उबालूँ फिर पानी पिलाऊँ। दूसरा मीनिंग ये भी है कि मैं पानी को उबालकर आपको पिलाऊँ, ठीक है। तो ऐसे कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है, और स्ट्रक्चर जब भी हम लोग फॉलो करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं जो अभी हम लोगों ने जाना, क्या कि सब्जेक्ट होगी, वर्ब होगी और आपका क्या आएंगी ऑब्जेक्ट आएंगी। सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जब मिलते हैं टुगेदर मिलते हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर से मिलकर ही आपका क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। आते हैं अब सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट है क्या, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में एक एक्शन वाला वर्ड होता है जिसको हम लोग वर्ब कहते हैं। पहले सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं, वर्ब है क्या। ठीक है, वर्ब आपको दो तरह के मिल जाएंगे किसी भी सेंटेंस में, मे भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब मिले और मेन वर्ब मिले, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मिले और मेन वर्ब मिले, हो सकता है किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो केवल मेन वर्ब हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे आपको ये सब मिलेंगे, जैसे विल, शैल, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और ये जो है ना, और जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं आपके क्या हैं वो सब के सब किस में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब में आएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब है ये सब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद एक मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब को ही जो हम लोग बोल रहे थे कि मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब को ही हम लोग बोल रहे थे कि एक्शन वर्ब। जो मेन वर्ब होता है वो क्या करता है, एक्शन शो करता है, जो शब्द एक्शन शो करेगा उसे वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। और इसका पहचान है, इसका पहचान क्या है,
इसके फॉर्म होते हैं, इस मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं आप लोग जनरली नाम सुनेंगे कि V1, फिर से V2, V3 प्लस एक और फॉर्म होता है V+ING। ठीक है, वर्ब के जनरली तीन फॉर्म होते हैं V1, V2 और V3। एक और फॉर्म हम लोग ले सकते हैं क्या कि V+ING, मतलब किसी भी वर्ब के ING फॉर्म को भी हम लोग एक फॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट है क्या। वो एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मोगली यहाँ पे देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूँ इसमें आप वर्ब पहचानिए तो आप पहचान पाएंगे। फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ कि वर्ब कौन सा है। आप एक्शन को चेक करिए कौन सा शब्द एक्शन शो कर रहा है, वो वर्ब है। लिखना एक एक्शन है, लिखना, ठीक है, तो ये वर्ब है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है तो मैंने अभी लिख लिया। अब हमें दो चीज़ को समझना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, देखिए किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है उसको एक करने वाला चाहिए। एक्शन अपने आप नहीं होता है, उसको कोई करता है। ठीक है, तो जो उस एक्शन को करता है वह उस सेंटेंस का, उस वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो एक्शन इसमें क्या है, लिखना इसमें एक्शन है। तो ये देखिए लिखने का काम कौन कर रहा है, मोगली कर रहा है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हुआ, मोगली हुआ। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हुआ, मोगली हुआ। और जब भी वर्ब और सब्जेक्ट मिलके जो कुछ भी करते हैं, वर्ब और सब्जेक्ट मिलके जो कुछ भी करते हैं वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मोगली राइट्स, आप पूछेंगे क्या और लेटर। ठीक है, दूसरा तरीका है सब्जेक्ट पहचानने का, अगर वर्ब से हु और व्हाट का आंसर मिले, राइट्स हु मोगली, हु और व्हाट का आंसर मिले वो होगा आपका सब्जेक्ट। व्हाट से हुम और क्या का या व्हाट का आंसर मिले वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। इधर देखिए कौन लिख रहा है, हु राइट्स, मोगली, तो हु का आंसर मिला तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ। हु राइट्स व्हाट लेटर तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो एक एक्शन होगा, सब्जेक्ट करेगा, उस एक्शन को कोई ना कोई रिसीव करेगा और रिसीवर को ही हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। अगर देखिए इधर एक्शन है राइट्स, मोगली एक्शन कर रहा है लेकिन रिसीव कौन कर रहा है, ये लेटर। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो एक्शन को रिसीव करे वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, इसको और डिटेल्स में हम लोग धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। एक बार मैं फिर बता दूं आपको कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो करता है, एक्शन जो करता है वो होगा, या फिर सेंटेंस में हो सकता है कि हम लोग बात भी कर रहे हों, जिसके बारे में बात भी कर रहे हों तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट है। एक और अगर हम सेंटेंस लिखें कि गोवा समेत वाज हेल्ड इन अक्टूबर, एक और सेंटेंस हम लिख रहे हैं कि, और एक और सेंटेंस हम लिखे कि गोवा समिट कब हुआ है, लेकिन इसमें देखिए कोई एक्शन हो नहीं रहा है लेकिन कब हुआ किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं गोवा समिट के बारे में। और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं वो होता है सब्जेक्ट। आशा है आपको इतना क्लियर हुआ होगा, क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, आगे के लिए देखते रहिए, और भी वीडियो लेके आएंगे हम लोग।